उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो यूपीपीसीएस है, यूपी का जो सिविल सर्विसेज का आयोग है, तो इसका नोटिफिकेशन है ये 2024 का, ठीक है। और इसमें सारा चीज़ दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस होता है यूपीपीसीएस का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपी जो पीसीएस एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, ठीक है, जिससे एसडीएम और डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ये सारी परीक्षाएं करवाई जाती हैं। और इसका जो सिलेबस है इसको डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें तो काफ़ी छोटा छोटा दिया हुआ है, तो इसके लिए एक जो नया पीडीएफ है, लोक सेवा आयोग प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का नया संपूर्ण पाठ्यक्रम, ठीक है। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, इसका सिलेबस मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको जो मुख्य परीक्षा है इसका सिलेबस, इसका पाठ्यक्रम बताऊंगा, उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम तो देखेंगे कि क्या क्या है नया पाठ्यक्रम में, क्या बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था कि इसका पैटर्न लगभग लगभग यूपीएससी की तरह ही था, और इसमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे, ठीक है, वैकल्पिक विषय। लेकिन अभी इस साल से वैकल्पिक विषय हटा दिए गए हैं और उसकी जगह यूपी स्पेशल जो जीएस पेपर 7 और 8 है, 7 8, उसकी जगह यूपी स्पेशल 2 पेपर अलग से करवाए जाने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो यूपी स्पेशल पेपर हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम तो ये है GS1 का पाठ्यक्रम। और GS1 के पहले देखो मुख्य परीक्षा में क्या होंगे, आपके टोटल 8 पेपर होने हैं। पहला पेपर होगा आपका हिंदी का, दूसरा पेपर होगा आपका एसए का, फिर जीएस के 4 पेपर, तो हो गए 4 को 6 और 2। तो मैं बता रहा था आपको कि जीएस पेपर होंगे, ठीक है, GS 4 तक, तो शुरू के 2 पेपर होगा हिंदी एसए और 4 GS के पेपर होगा, तो इस प्रकार 6 पेपर हो गए और 2 पेपर जीएस पेपर 7 और 8, ठीक है, तो कुल मिलाकर के 8 पेपर हो गए। ये मतलब जो होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, लिखित पूरी परीक्षा होगी, ठीक है, आपको इनके बड़े बड़े आंसर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मुख्य परीक्षा का जो नया पाठ्यक्रम है, सामान्य अध्ययन GS 1, ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चीज़ें आएंगी। भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल की कला, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास, इसमें मतलब ये बढ़िया चीज़ है कि मिडाइवल और एंशियंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है, उससे बहुत चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी। आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है, 1757 से 1947 तक, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, समस्याएं इत्यादि, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, अपना जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद वाली चीज़ें, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, ठीक है, 1965 तक, तो दे रखा है इसमें कि कहाँ तक पूछा जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर विश्व का इतिहास, तो विश्व का इतिहास हमें पूछा जाएगा, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी 1789 में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और ठीक है सारी चीज़ें, समाजवाद, नाजीवाद, जो जर्मनी में चीज़ें हुई, जो रूस में चीज़ें हुई, वहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, महिला समाज, महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या संबंधी समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, ठीक है, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, ये लिबरलाइजेशन वगैरह चीज़ें जो हुई 1991 1992 में, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाएगा आपका। फिर है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्म निरपेक्षता, ठीक है, यहाँ से चीज़ें पूछी जाएंगी। मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, ठीक है, मतलब भारत में क्या क्या समस्या आती हैं, जैसे अभी बांग्लादेश वाले काफ़ी व्यक्ति जो भारत में प्रवेश कर रहे थे, तो ये एक समस्यात्मक विषय है। और यहाँ पर पॉलिटिकली काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टर्बुलेंस रहता है, ठीक है, सीमांत तथा सीमाएं, जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम, ठीक है, स्मार्ट नगर तो सही है, ठीक है, स्मार्ट ग्राम भी, मतलब
स्मार्ट विलेज बनाने जाने हैं। फिर है GS1, तो ये रहा सिलेबस आपका GS1 का, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर है आपका GS2, तो ये जो GS2 है आपका सामान्य अध्ययन 2, इसमें आपके पूछे जाने हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटी और पॉलिटी के लिए एक जो बढ़िया बुक है वो है लक्ष्मीकांत, इसको सब जितने भी टॉपर हैं रिकमेंड करते हैं, बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए तो सफिशियंट रहेगा, ठीक है। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका है, रोल ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, तो संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, जो फाइनेंस, जो पैसे का लेन देन होता है गवर्नमेंट के बीच, स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट को पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो चीज़ है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, शक्तियों को पृथककरण, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, संसद तथा राज्य विधायिका, संरचना है, कार्य कार्य संचालन, ठीक है, ये चीज़ें हैं। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक या अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, ठीक है। जनहित याचिका याल, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, मतलब जनप्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, MP, MLA आदि, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ क्या है, उनके कार्य क्या है, उनके उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, सांविधिक, विनियामक, विभिन्न अर्ध विनियामक, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्य भाग, सरकारी नीतियां और उनसे संबंधित भिन्न क्षेत्रों के विकास, हस्तक्षेप, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। उसमें सूचना ICT का क्या रोल है, विकास प्रक्रियाएं, जो NGO है उनकी भूमिका क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहाँ पर विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, ये सारी चीज़ें आपसे, इनसे संबंधित जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इनसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। आपको आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव पूरा होगा, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप। ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन पूरा सिलेबस डिस्कस करना काफ़ी आवश्यक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र, क्षेत्रों के सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के प्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत एवं अन्य उपाय, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, ठीक है। भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उनका संबंध, तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस यहाँ पर, जो लास्ट के टॉपिक हैं क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक, करंट इशूज, ठीक है। फिर आप GS2 का अब बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। GS2 जो है इसका सिलेबस नहीं, GS3, हाँ GS3 में क्या आता है आपका, इकोनॉमिक्स आता है बेसिकली, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में पूरा अर्थशास्त्र आ जाएगा, सतत विकास के लक्ष्य SDG, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास, सरकार के बजट के अवयव, वित्तीय प्रणाली, ठीक है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, भारत में स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार क्या हुए हैं, ठीक है, लैंड रिफॉर्मेशन,
भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव, ठीक है। आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिर देखो यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अपनी कंट्री की जो अचीवमेंट है, भारत की जो उपलब्धियाँ हैं, भारतीयों की, जो भारतीय लोग ने झंडा गाड़ रखा है, ठीक है, जैसे कहीं पे मंगल पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, मिशन कर रहे हैं कोई, तो उससे संबंधित जो करेंट इश्यूज हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी है आपकी, ये चीजें हैं, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ, ठीक है, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, ये सारी चीज़ें, असंगठित अपराध, सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासन अधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका GS 3, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ से प्रश्न पूछे। फिर GS 4 है, जिसको बोलते हैं कि इसमें इथिक्स पूछा जाएगा। इथिक्स क्या होता है? नीति शास्त्र होता है बेसिकली।